अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। हमारे क्षेत्र में एक खूनपीर पिपलिया गांव है, वहां का एक गरीब युवक था, उसका गरीबी की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा था सामाजिक लोगों में, तो उसके संपर्क वाले जो थे उसमें दो तीन लोगों ने उससे संपर्क किया और रुपए लेकर एक ऐसी महिला से उसको विवाह करवा दिया जो व्यवसायिक तौर पर यही कार्य करती थी कि 8-10 दिन साथ में रहकर भाग जाती है। 11 जनवरी को वो शादी करके आया और 20 जनवरी को वो अपने परिजनों के साथ भाग गई। इस प्रकरण में 6 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है जिसमें से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। लड़की जो है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। वहाँ रवि कलौता नाम का लड़का है, इसकी शादी नहीं हो रही थी, तो उसने दोस्तों से बोला कि मेरी शादी के लिए कोई लड़का मंदिर के बारे बताओ, तो उन्होंने एक राजेश करके है इंदौर का, उसको बताया। उसके द्वारा अपने जो सहयोगी टीम थी, उनकी एक टीम है जो ऐसे लड़कों की शादी की, जो इनकी शादी नहीं होता है, ऐसी लड़कियों को लाते हैं, पैसा देते हैं, और उन्होंने 1.5 लाख रुपए नगद ले लिए, 50,000 रुपए अलग अलग खातों में डलवा लिया। वो प्रशांत होटल मक्सी रोड पर, वहाँ जाकर के उन्होंने रुके रात, और बिलावली मंदिर है, बिलावली मंदिर में जाकर के उन्होंने शादी किया। उसके बाद में लड़की 12 तारीख को यहाँ गांव में आ गई थी, खून की पिया आदमी रवि के साथ में, उस रवि के साथ में रही। 20 तारीख की रात में एक महिला, उसकी दोस्त जो उसकी बहन बनी थी, वो और उसका प्रेमी अखिलेश नाम का, दोनों रात में करीब 3:30 बजे कार लेकर आए, इको कार MP09JT3306 उसको लेकर आए, और रात में फोन पर इनको बाहर बुला करके और रात में ले गए। कुल आरोपी कितने हैं इसमें? कुल आरोपी 6 आरोपी है। बताया जरा, अभी लड़की फरार है? लड़की फरार है, लड़की नहीं मिल रही है, उसकी तलाश जारी है। सर आपका नाम? मेरा नाम AM पठान, थाना बोरासा।